रण क्षेत्र में तब्दील हुआ नालंदा जिला का पावापुरी मेडिकल कॉलेज। मेडिकल छात्र और टेक्नीशियन के बीच मारपीट के बाद ओपीडी सेवा बंद। नालंदा जिले के पावापुरी स्थित भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान के मेडिकल छात्र और टेक्नीशियन के बीच हुए विवाद के बाद कॉलेज रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। मेडिकल छात्रों ने एक एक्सरे अल्ट्रासाउंड मशीन को क्षतिग्रस्त कर दिया। छात्रों पर अल्ट्रासाउंड रूम में घुसकर मारपीट, गाली गलौज एवं तोड़फोड़ का भी उन पर आरोप लगा है। इस घटना के बाद दर्जनों की संख्या में नाराज अल्ट्रासाउंड एक्सरे टेक्नीशियन एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए ओपीडी सेवा बंद कर धरना प्रदर्शन करने लगे। इस संबंध में बिम्स के रेडियोलॉजी इंचार्ज पद पर कार्यरत सुबोध कुमार ने बताया कि एक MBBS छात्र किसी मरीज को लेकर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आया था। उस समय मरीजों की लंबी कतार लगी हुई थी और उस छात्र के मरीज का नंबर 46वां था, इसलिए उसे नंबर में आने को कहा गया, जिस पर वह छात्र आग बबूला हो गया और रेडियोलॉजी के सभी कर्मियों को गाली गलौज करते हुए धमकी देकर वहां से चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वह 30 से 40 की संख्या में मेडिकल छात्रों का झुंड लेकर आया और रेडियोलॉजी विभाग में जमकर तोड़फोड़ की और सभी फाइलों को इधर से उधर फेंकने लगा। काम कर रही महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने जब अपना बचाव किया और उन्हें रोकने की कोशिश की तो वह उनके साथ भी मारपीट और बदसलूकी करने लगे। इस बवाल से ओपीडी बंद हो जाने के कारण दूर दराज से आए सैकड़ों मरीजों को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए प्राइवेट लैब का रुख करना पड़ा। प्राचार्य पीके चौधरी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज भी देखा जा रहा है, मामले की जांच जरूर होगी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौरी शंकर सिंह। अच्छा, कहाँ से आए हैं? नारदीगंज। यहाँ क्या क्या घटना घटी? यहाँ तो सब लाइन में लगे हुए थे। हाँ। और एकाएक मेडिकल का छात्र आए, बाद में पता चला कि मेडिकल का छात्र है और अल्ट्रासाउंड में जो लोग थे यहाँ आकर के मारपीट, तोड़ फोड़, फेंक बीक सब पूरा काफी हंगामा खड़ा हो गया यहाँ। अभी फिलहाल बंद है? अभी फिलहाल बंद है। अच्छा, आप लोग कितना देरी से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं? 3 घंटे। हाँ, सुबह है। नाम हुआ आपका? सुबोध कुमार। आप यहाँ पे पावापुरी मेडिकल कॉलेज में किस विभाग में कार्यरत हैं? हम रेडियोलॉजी विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन और रेडियोलॉजी इंचार्ज के पद पे कार्यरत हैं। यहाँ पे आज क्या घटना घटी? यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के MBBS छात्र के द्वारा मारपीट किया गया। एक्चुअली ये घटना कल की है। कल उन्होंने एक अटेंडेंट को लेके अल्ट्रासाउंड कराने के लिए हमारे विभाग में आए बिना कोई एप्रॉन और बिना आई कार्ड के। गार्ड के द्वारा रोके जाने पर भी नहीं रुके, डायरेक्ट हमारे पास आए। फिर भी उनका पेपर ले लिया गया। 10-15 मिनट में अल्ट्रासाउंड हो गया। जाते जाते गाली गलौज करते गए और धमकी देते गए कि बाहर निकलो, तुम्हें मारेंगे, देख लेंगे हमारी क्या औकात है। और आज 30 से 50 की संख्या में आए। हम अपने काम में मंग थे, अल्ट्रासाउंड की एंट्री कर रहे थे, हम पे हमला बोले, मारपीट किए। बीच बचाव के लिए महिला कर्मी आई, उनके साथ भी मारपीट की गया और बदतमीजी की गई। सारे सामान क्षतिग्रस्त कर दिए गए अल्ट्रासाउंड में, जिसका वीडियो फुटेज आपके पास होगा या मिल जाएगा। यहाँ से मशीन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, रजिस्टर गायब है, सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। इसी तरह आगे भी नालंदा से जुड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।